रेट या फिर और भी कई प्रकार की जानकारी अगर लिखी है तो आपको उस पर क्लिक नहीं करना है। आपको यहाँ पर जो हमारी रियल लिंक है आपको उस पर क्लिक करना है, और जैसे ही साथियों आप अपनी आईडी को लॉग इन करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार का एक इंटरफेस अभी ओपन होगा। आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से अभी ओपन होगा। तो अभी हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि जब भी आपकी आईडी यहाँ पर लॉग इन होती है, आपको पैकेज लेने से पहले आपको माई टीम में जाकर आप अपना स्पॉन्सर अपलाइन को भी चेक कर सकते हैं कि मैं जिस व्यक्ति की रेफरल लिंक से मैं ज्वाइन किया हूँ क्या वो व्यक्ति सही है, मैंने सही जगह मैंने साइन अप किया है। तो आप यहाँ पर माई टीम में आप जाएंगे तो स्पॉन्सर का नेम ऊपर दिखाई देगा, और जिस व्यक्ति से आपने रेफरल लिंक ली है और उसी का नाम दिखा रहा है तो आपको आगे कंटिन्यू करना है। और उसके बाद आप साथ यहाँ पर आपको कस्टमर बनने के लिए क्या करना है, या फिर आप जब कस्टमर बनते हैं तो आपके पास में कितनी सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं, आज हम उसके बारे में यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने बात करने वाले हैं। तो साथियों आपको कस्टमर बनने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर साइन अप करना है। साइन अप करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका यहाँ पर सिर्फ जनरल डिटेल लगेगा, आपका नाम, आपका डिटेल केवाईसी करने के लिए, आपका आधार कार्ड का डिटेल, आपका एड्रेस, ये सारी चीजें आप देते हैं तो आपका अकाउंट इस प्रकार से यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। और साथियों अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है और आप इस सिस्टम के पिछले 15 महीने या फिर पिछले 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, आप कितने भी लंबे समय से इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं और अगर आपकी आईडी वेरीफाई नहीं है तो आपको वेरीफाइड करने की आवश्यकता है। आप इसे वेरीफाइड जरूर कीजिए, क्योंकि वेरीफाई करने का भी एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको सिंपली आपको अपना जनरल डिटेल डालना है, आप अपने आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो, आपके आधार कार्ड के बैक का फोटो, और एक आपके आधार कार्ड को आपको इस प्रकार से आपको पकड़ना है राइट हैंड में, आपका फोटो और आपका हाथ आपका बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, और फिर एक बैक साइड का फोटो आधार कार्ड के हाथ में पकड़ के। आप ये सारी चीजें वहां पर फुलफिल करते हैं तो आपका अकाउंट अगले 24 घंटे से लेके 72 घंटे के अंदर आपका अकाउंट इस प्रकार से यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। साथ ही वेरीफाई करना क्यों जरूरी है, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा के प्रोजेक्ट हमारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है, अगर हम केवाईसी ना करें तो। साथियों आप केवाईसी ना करें तो आपको तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक आपके अकाउंट के साथ में कोई टेक्निकली समस्या नहीं हुई है। अगर आपके अकाउंट के साथ में कोई टेक्निकली समस्या हो गई है, आपका गूगल ऑथेंटिकेटर डीएक्टिवेट हो गया है, आपने गलत जगह, आपने अपने पैकेज खरीदते समय आपने यूएसटीटी गलत दे दिए, एक्स्ट्रा दे दिए या कम दे दिए, या फिर आपको कई प्रकार की समस्या होती है, रेफरल का बोनस या कई प्रकार की समस्या अगर आपको होती है, आपको जीमेल आईडी चेंज करना है, तो आपके अकाउंट को वेरीफाई होना जरूरी है। अगर आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो साथियों आपका कई जगह आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपका अकाउंट होने के बावजूद भी आप उसे प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि ये मेरा ही अकाउंट है, क्योंकि पिछले समय बहुत सारे लोगों ने नाम गलत डाला, अपना केवाईसी नहीं किया और उनके अकाउंट गूगल ऑथेंटिकेटर डिलीट हो गए और वो उसे वापस नहीं ले पा रहे हैं, कारण केवाईसी नहीं था। तो साथियों आपको केवाईसी करना बहुत जरूरी है। आप अपने अकाउंट को केवाईसी करें और उसमें सिक्योरिटी पर्पस के रूप में गूगल ऑथेंटिकेटर पहले दिन ही लगा लें। अगर आपने आज साइन अप किया है, आज आप नए कस्टमर हैं, या आपने पिछले 15 दिन पहले ज्वाइन किया, 1 महीने पहले ज्वाइन किया और आपकी आईडी में गूगल ऑथेंटिकेटर नहीं लगा है, तो आपने जिस व्यक्ति के माध्यम से आपने सिस्टम को ज्वाइन किया है तो आपको उस व्यक्ति को आप कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद में आप उससे गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने की प्रोसेस समझिए, या फिर साथियों मेरा जो हमारा यूट्यूब चैनल है ऑनलाइन अर्निंग वाईकी के नाम से, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मेरा यहां पर ये चैनल है, और साथियों इस चैनल पर जाकर आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आपको केवाईसी कैसे करना है, एक्सचेंज को इस्तेमाल कैसे करना है, स्वाइपिंग कैसे करना है, तो आप इस चैनल पर जाकर भी आप बहुत सारी चीजें आप यहाँ पर आके आप सर्च कर सकते हैं। तो साथियों अभी हम बढ़ते हैं आगे, और हमें यहाँ पर कस्टमर कैसे बनना है या फिर हमें केवाईसी करने के लिए कौन से ऑप्शन पर हमें जाना है, तो आपको उसके बारे में यहाँ पर बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, मैंने कुछ समय पहले एफिलिएट मार्केटिंग पर काम किया था और आज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे सामने यहाँ पर टीम की बात करें तो 93 डायरेक्ट्स हैं और 1247 लोगों का नेटवर्क बन चुका है। तो यहाँ पर आप भी एफिलिएट प्रोग्रामिंग पर जब आप काम करेंगे तो आपके भी कुछ इतने सारे डायरेक्ट्स होंगे, तो आपको कभी अपनी लाइन को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो बिजनेस होगा, आपके लगातार आपके रैंक्स आपके बढ़ते जाएंगे। तो अभी साथियों हमने यहाँ पर समझा, अब हम चलते हैं कि हमें केवाईसी कहाँ से करना होता है और सिक्योरिटी पर्पस के रूप में गूगल ऑथेंटिकेटर लगाने के लिए कहाँ पर जाना होता है। तो आपको साथियों आपके अपने मोबाइल में राइट हैंड ऊपर कोने में 3 लाइन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके मोबाइल में ऑप्शन ओपन होगा अकाउंट सेटिंग का, और जैसे ही आप अकाउंट सेटिंग पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर हमारे कई सारे डैशबोर्ड ओपन हो जाएंगे। केवाईसी का जहाँ पर हमारा वेरिफिकेशन करने का ऑप्शन होता है सिक्योरिटी के लिए, यहाँ पर आप नीचे की ओर देखेंगे तो ये हमारे सारे डैशबोर्ड हैं। अभी इसके अलावा साथियों हमारे डैशबोर्ड और भी साइड से आ चुके हैं जो डायरेक्टली ओपन होते हैं, आप साइड पे जाके जैसे यानी कि बहुत सारे डैशबोर्ड हैं तो वो आपको और भी आपको उसके लिंक प्रोवाइड हो जाएंगी।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पर जाकर आपको केवाईसी करना है, और सिक्योरिटी पर्पस, यहाँ पर सिक्योरिटी पर आप क्लिक करेंगी तो आपको गूगल ऑथेंटिकेटर आपको लगाने का ऑप्शन मिलेगा। तो आपको साथ ही वहां पर गूगल ऑथेंटिकेटर को एक्टिवेट करना है। आपके मोबाइल में गूगल ऑथेंटिकेटर नामक एक एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, और जैसे ही आप उसे प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं तो उसके बाद अब साथियों यहाँ पर आपको इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है, और आपको यहाँ पर जो आपका गूगल ऑथेंटिकेटर लगाते समय आपका एक क्यूआर कोड आएगा, आपको उस क्यूआर कोड को आपको संभाल के रखना है, किसी अननोन पर्सन के पास में आपको उसे व्हाट्सएप पर शेयर नहीं करना है पर्सनल आपको, क्योंकि आपकी ये पर्सनल जानकारी है। अगर आप ये शेयर करते हैं तो आपका अकाउंट कहीं ना कहीं आपका सुरक्षित नहीं रहेगा। तो अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, केवाईसी करने के लिए वेरिफिकेशन पर जाना है, और सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर आपको सिक्योरिटी पर क्लिक करना है, और आपका गूगल ऑथेंटिकेटर आप लगा पाएंगे। अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पर चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, आप अपना पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अभी साथ ही हम यहाँ पर बढ़ते हैं, अभी आप देख सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पर अभी कस्टमर बनने के लिए सबसे पहले हमें अल्टीमा फार्म के डैशबोर्ड पर जाना होता है, तो हम यहाँ पर जाएंगे अल्टीमा फार्म के डैशबोर्ड पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पर अल्टीमा फार्म का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब साथियों जैसे ही हमारा अल्टीमा फार्म का डैशबोर्ड ओपन हुआ, अब हमें यहाँ पर कस्टमर बनने के लिए हमें सिंपली यहाँ पर साथ ही हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिकेटर है, इसको समझने के लिए डेली हमारी शाम को 7:30 पर मीटिंग होती है। आपको उस मीटिंग आप ज्वाइन करेंगे तो इस सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर ये कैसे काम करता है, कितने लंबे समय से काम करता है, इसके फाउंडर कौन है, कितनी इसकी टोटल सप्लाई है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटीग्रेटर कैसे काम करेगा, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको हमारी शाम की मीटिंग्स में आपको मिलेगी। तो आपको वो मीटिंग्स आपको वहां पर ज्वाइन करनी है। अब यहाँ पर साथियों आपको सिस्टम जैसे ही समझ में आता है, आपने एक दिन दो दिन मीटिंग ज्वाइन किया, तो आपको यहाँ पर कस्टमर बनने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करना है, तो आपका एक फार्मिंग स्पीड यहाँ पर साथियों आपका एक मीटिंग का फैक्टर आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आपको दिखता है कि आप यहाँ पर जब भी आप यहाँ पर कस्टमर बनेंगे, अगर आप यहाँ पर 3 जून से लेके 9 जून के बीच में आप यहाँ पर कस्टमर बनते हैं, फार्म्स बाय करते हैं, तो आपको यहाँ पर 6.9% यानी कि 690% आपको अगले 2 साल का आपको रिटर्न मिलेगा। रिटर्न में आपको अल्टीमा टोकन मिलेगा, यहाँ पर कुछ परसेंटेज आपके पास में क्वाइन होगा जिसको आप विड्रॉल कर पाएंगे, कुछ परसेंटेज क्वाइन को आपको आप अपने फार्म्स की कैपेसिटी को डेवलप कर पाएंगे जिससे आप उसे मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो आपके सामने ये सारे ऑप्शंस हैं। अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको कस्टमर बनने के लिए सिंपली यहाँ पर आपके सामने पैकेजेस दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 110 यूरो, 275 यूरो, 550 यूरो और 1100 यूरो। आप अपने मनपसंद का कोई भी आप यहाँ पर पैकेज आप बाई करेंगे। आप एग्जाम्पल करिए, आपको 110 यूरो का पैकेज बाई करना है, तो आपको यहाँ पर परचेस पर क्लिक करना है। जैसे आप परचेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन होगा। अभी साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पर आपके सामने पेमेंट मेथड के ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पर ट्विटर यूएसडी TRC20 के ऑप्शन, रेड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप करेंगे तो आपका पैकेज बहुत ही जल्दी बाय हो जाएगा। और भी साथियों ऑप्शन है यहाँ पर, आपके ट्रांजेक्शन यूएसडी विड्रॉल्स करने में आपको फीस ज्यादा लगने वाली है, तो आप USDT TRC20 का ही आप उपयोग करें। अभी साथियों और आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, अगर आपने फार्म पिछले महीने ले लिया है, एग्जाम्पल करिए आपने पिछले महीने 1100 यूरो का फार्म लिया, तो जिस व्यक्ति ने 1100 यूरो का फार्म लिया तो उसका 40% अमाउंट यहाँ पर उसका आता जाएगा अपग्रेड अमाउंट में, और साथियों यहाँ से वो हर महीने 110 यूरो का पैकेज ले सकता है, वो भी उसका जो 40% अमाउंट आ रहा है 60% को विड्रॉल करेगा। आप भी कर सकते हैं, तो आपके लिए आने वाले समय में सारे ऑप्शंस ओपन होंगे। आप यहाँ पर USDT TRC20 के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं, यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं तो साथियों आपको यहाँ पर विशेष रूप से इस चीज का आपको ध्यान देना है, और यहाँ पर जैसे आप साथियों आपको यहाँ पर समझना है कि किस प्रकार से आप यहाँ पर काम कर पाएंगे, तो आपको यहाँ पर बाय चेकिंग द बॉक्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको परचेस करना है और एक एड्रेस मिल जाएगा, तो आपको उस एड्रेस से आपको अपने एक्सचेंज से, जो भी आप एक्सचेंज इस्तेमाल करते हैं, तो वहां से आपको इस पर यूएसडीटी देना है। जैसे आप यूएसडीटी वहां से विड्रॉल्स करते हैं तो साथियों आपका यहाँ पर मैक्स लोड का कैपेसिटी, आपका टोटल मैक्स लोड यहाँ आपका दिखाई देगा, और साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे आपका यहाँ पर वो दिखाई देगा आपका मैक्स लोड, तो आपको अगर नहीं दिखाई देता है तो आपको 3 लाइन पर क्लिक करके लाइसेंस की पर क्लिक करना है, एक्टिवेट करना है, और यहाँ पर आपका कैपेसिटी आ जाएगा। उसके बाद साथियों आपको यहाँ पर उसके बाद आपको सिंपली क्या काम करना है,
उसके बाद साथियों आपको यहाँ पर काम करना है कि आपको यहाँ पर इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप जैसे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको फार्मिंग यूनिट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप फार्मिंग यूनिट पर आप क्लिक करते हैं तो साथियों आपके सामने ऑप्शन होंगे कि आप यहाँ पर अल्टीमा के पेयर को आप च्वाइस करेंगे और अल्टीमा का एड्रेस आपको निकल के आएगा। तो आपको कॉइंसबिट एक्सचेंज से, कहाँ से, आपको कॉइंसबिट एक्सचेंज से आपको यहाँ पर विड्रॉल करना है और आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहाँ दिखाई देगा तो वो आप चेक करेंगे फार्मिंग हिस्ट्री में, आपका यहाँ पर फार्मिंग हिस्ट्री में आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाई देगा। और साथियों हम और आगे अभी बात करेंगे, अभी कॉइंसबिट एक्सचेंज पर जो हमारी अपडेटिंग हुई है तो अभी हम उस पर बात करेंगे कि आप अल्टीमा टोकन को कितने सारे पेयर में आप बाई कर सकते हैं। अभी साथियों आपने कॉइंसबिट एक्सचेंज अभी आप देख पा रहे हैं, मैं आपके सामने कॉइंसबिट एक्सचेंज ओपन करूंगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब भी आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से, अभी साथियों अभी जो हमारे सिस्टम के अंदर जो अपडेटिंग हुई है तो अब आपको यहाँ पर बताते हैं, और यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपके मोबाइल के तरीके से, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो हमारा मोबाइल है तो किस प्रकार से आप उसमें कॉइंसबिट को ओपन करेंगे। आप साथ ही जब भी अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर आपका इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पर क्या काम करना है, आपको साथ ही जब भी आप अपने कॉइंसबिट को ओपन करते हैं, अभी हम कॉइंसबिट में कितने सारे बदलाव कितनी सारी अपडेटिंग हुई है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। और साथियों इसके साथ साथ अब आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आप अपने अदर ओल्ड कॉइन को भी आप कैसे आप न्यू कॉइन में कन्वर्ट कर पाएंगे, कितने सारे पेयर आ चुके हैं। तो अभी जितने भी साथी अब इसको ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए साथियों जब भी आप अपने कॉइंसबिट में अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपके सामने स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ का एक ऑप्शन आएगा। आप जैसे ही स्टार्ट ट्रेडिंग नाउ पर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अभी साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अभी आपको अल्टीमा यूएसडीटी दिखाई दे रहा है, आपका अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए। अगर आपका कॉइंसबिट अकाउंट वेरीफाई नहीं है तो आप यहाँ पर बाइंग सेलिंग तो कर पाएंगे लेकिन डिपॉजिट विड्रॉल्स आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको अपने अकाउंट की कॉइंसबिट अकाउंट की आपको केवाईसी करना बहुत ही जरूरी है। तो अभी साथियों हम यहाँ पर आगे समझेंगे कि अब हम यहाँ पर और भी जो हमारे कॉइन्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अल्टीमा यूएसडीटी में आप, यानी कि आपको अल्टीमा टोकन बाय करना है तो आप यूएसडीटी से कर पाएंगे, लेकिन आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पर अल्टीमा को और भी कई सारे कॉइन, यहाँ पर साथियों आपके सामने राइट हैंड ऊपर कोने में, सॉरी लेफ्ट हैंड ऊपर कोने में डॉट डॉट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सर्च बार का ऑप्शन आएगा और आपको उस पर क्लिक करना हो। और साथियों आपको यहाँ पर लिखना है पीएलसीयू, आप यहाँ पर पीएलसीयू लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके सामने कितनी सारी करेंसियों का पेयर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी साथियों आप सबसे पहले देखेंगे पीएलसीयू का पेयर, पीएलसीयू यूएसडीटी में है। अभी हम पीएलसीयू एक्स की भी बात करेंगे, पीएलसीयू एक्स को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चौथे नंबर पर आपको दिखाई देगा पीएलसीयू एक्स, और साथ ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसका स्मार्ट कॉइन में पेयर आ चुका है। आपके पास में अगर पीएलसीयू एक्स है तो आप उसे स्मार्ट कॉइन के पेयर में आप उसे बाय कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे। लगातार बाय होना सेल होना एक ओपन हो चुका है साथ ही, कल हमारे सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा अपडेट हुआ है। और यहाँ पर हमारे सामने स्मार्ट ब्लॉकचेन का जो हमारा स्मार्ट कॉइन है तो उसके यूजेस भी यहाँ पर बढ़ चुके हैं। अभी साथ ही यहाँ पर और भी बहुत सारे बदलाव हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप पीएलसीयू एक्स को स्मार्ट कॉइन में डायरेक्टली आप सेल करेंगे, आपके पास में अब दो ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। एक तो साथियों आप उससे स्वाइप करेंगे, तो स्वाइप करेंगे तो आपका $1 लाख के रेट के मुताबिक आपका कन्वर्ट होगा। अगर आप उसे सेल करेंगे तो जो उसका मार्केट प्राइस है, क्योंकि साथ इसकी लिक्विडिटी जीरो थी, कंपनी ने इस पर 1 से 2 महीने 3 महीने लगातार काम किया, अपडेट किया, और साथ ही अपडेट करने के बाद में उसमें और भी कई सारे सुधार किए, और आप सभी लोगों की लिक्विडिटी को जनरेट करने के लिए उसका पेयर उन्होंने यूएसडीटी और स्मार्ट टोकन और अल्टीमा टोकन में दिया है। आपके पास में पीएलसीयू एक्स है, आप डायरेक्टली अल्टीमा टोकन बाय कर सकते हैं, आपके पास में पीएलसीयू एक्स है आप डायरेक्टली यहाँ पर स्मार्ट कॉइन बाय कर सकते हैं, आपके पास में पीएलसीयू एक्स है आप यूएसडीटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पी2पी के माध्यम से आप विड्रॉल करके इंडियन रुपीस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डिसीजन आपका होना चाहिए, किसी सीनियर के बोलने पर नहीं। अगर आपको लगता है कि मुझे इस डाउन प्राइस पे भी अगर सेल करना है तो आपका कॉइन है, आपका डिसीजन है, आप उसे लाइव प्राइस पर सेल कर सकते हैं। साथियों मैं कोई कंपनी का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मैं भी आपके जैसा एक यूजर हूँ,
बस हमारे सिस्टम के अंदर जो अपडेटिंग हुई है, तो उसके बारे में आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर साथियों आपके सामने बाय और सेल के ऑप्शन है। आप सेल करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो लाइव प्राइस होगा, क्योंकि जो बायर आपका जिस प्राइस पे बाय करने के लिए तैयार होगा, तो आप उस प्राइस पे उसे कर पाएंगे। अभी हमने PLCOX को स्मार्ट कॉइन के पैर में देखा, अभी साथ PLCOX को आप USDT के पैर में देख पाएंगे, अभी यहाँ पर देख पाएंगे। और साथियों अभी एक चीज और बता दूं, यहाँ पर पैनिक सेल अभी लोग कर रहे हैं, क्योंकि अभी पिछले 2 से 3 महीने के अंदर अभी सेल हुआ है, मतलब सेल होना स्टार्ट हुआ है, तो अभी पैनिक सेल चल रही है। आने वाले समय में इसका प्राइस अप भी कर सकता है और डाउन भी हो सकता है। मेरी एक बात को पकड़ के ना रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सिर्फ एक ही बात पे रह जाते हैं कि सर ने बोला था अब तो प्राइस इसका बढ़ ही जाएगा या घट ही जाएगा। तो साथियों वो मार्केट तय करेगा, प्राइस के ऊपर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आज सिस्टम हमारा कैसे काम कर रहा है आपको उसके बारे में यहाँ पर बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप इसे USDT के पेयर में भी आप इसे सेल कर पाएंगे। आपके सामने बाय का ऑप्शन है, आपके सामने सेल का ऑप्शन है। आपके पास में जितना कॉइन है आप उसे चाहें तो आप सेल कर सकते हैं, या फिर आपका डिसीजन है, आपको लगता है कि आपको उसे स्वाइप करना है PLCUX2 स्मार्ट कॉइन, तो आप उसे स्वाइप कर सकते हैं अगले 36 महीने के लिए। स्वाइप कैसे करना है वो भी आपको यहाँ पर जानकारी बताएंगे अभी साथियों। और आगे हम यहाँ पर बात करेंगे, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि PLCUX का पैर डायरेक्ट अल्टीमा टोकन में आ चुका है, जो साथियों जो हमारा नया अल्टीमा टोकन है, आप यहां पर देख पा रहे हैं PLCUX बाई अल्टीमा टोकन। तो आपको यहां पर इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान देना है, यहां पर आप डायरेक्टली एक्स से देके आप अल्टीमा भी दे सकते हैं। तो साथियों इसका जो प्राइस है वो यहां पर लाइव दिखाया जा रहा है, तो आपका डिसीजन आपको कौन सी करेंसी कौन से पेयर में आपको क्या करना है, तो आप यहाँ पर उसे बाय सेल कर पाएंगे अभी साथियों। और आगे हम देखें तो यहाँ पर अभी बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं। अभी हम देखेंगे PLCUX को आप क्लासिक में भी आप कर पाएंगे यहाँ पर, और भी तो अभी क्लासिक में लिक्विडिटी जीरो है, लेकिन यहाँ पर स्मार्ट USDT और अल्टीमेट टोकन में इसकी लिक्विडिटी बहुत सारी है, तो आप अपने डिसीजन मुताबिक आप उसे बाय कर पाएंगे सेल कर पाएंगे अभी साथियों। हम और भी करेंसियों में यहाँ पर देखेंगे PLCU क्लासिक, अगर आपके सामने PLCU क्लासिक है तो आप PLCU क्लासिक को आप स्मार्ट कॉइन में डायरेक्ट बदल पाएंगे, आपको स्वाइप करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो होगा लाइव प्राइस पे, तो आपको यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देना है। यहाँ पर अभी और आगे देखेंगे तो PLCU क्लासिक का यानी कि यहाँ पर और भी कई जगह पेयर है। अभी आप PLCU यानी कि जो हमारा PLC अल्टीमा है, तो आप उसको भी आप PLC अल्टीमा को डायरेक्ट स्मार्ट कॉइन में आप कन्वर्ट कर पाएंगे, यहाँ पर भी उसका लाइव प्राइस दिखाया गया है। तो सारी चीजें ओपन है कल से 24, अभी लगभग अभी 12 घंटे हुए हैं, और अभी ये सारी चीजें यहाँ पर आप मार्केट में जाके देखेंगे, यहाँ पर बाइंग सेलिंग और ट्रेडिंग हर एक पेयर में उसका स्टार्ट हो चुका है, तो आप इस चीज का यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। ये साथ ही इसका मार्केट है, तो यहाँ पर आपके सामने और भी अभी हम इसका पेयर आपको दिखाने वाले हैं, यानी कि PLCU USDT पहले नंबर पर है, PLCUC USDT, PLCUC स्मार्ट, PLCUX स्मार्ट और PLCUX USDT, PLCU स्मार्ट, ऐसे साथ ही बहुत सारे ऑप्शन हैं। अभी आपको यहाँ पर हर एक कॉइन का प्राइस यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अभी इन कॉइन्स के अलावा आप साथ ही इस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो और भी कई सारी कॉइन्स में आप बिटकॉइन इथेरियम आप साथ ही यहाँ पर इस एक्सचेंज पर जाकर आप बाइंग सेलिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। एक कॉइंसवेट एक्सचेंज साथ ही यूरोप का नंबर 1 एक्सचेंज है, आपके मोबाइल में जब आप उसे इस्तेमाल करेंगे, हो सकता है आप जब इस्तेमाल करें तो कई लोगों का मोबाइल, क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल का एक्सचेंज है, और आपकी अगर बात करें तो यह कई सारे मोबाइल में एक्सेप्ट नहीं करता है, आप जब आगे बढ़ाते जाएंगे बैक कर देगा, तो आपको एक बेहतर मोबाइल जो आपका अच्छा मोबाइल है जिसका रैम रोम अच्छा है, तो आप उसमें जाकर आप इसे ओपन करेंगे और आप इसे कई प्रकार से आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अभी ये जानकारी यहाँ पर समझ में आई होगी। अभी साथियों हम और भी यहाँ पर कुछ पॉइंटों को यहाँ पर अभी आपको समझाने वाले हैं, तो आप सभी लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि अभी हमने यहाँ पर अभी दोबारा से इसे ओपन किया है, और ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कई सारी चीजों को। तो अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि साथियों आपने एक्सचेंज को इस्तेमाल करना आपने सीखा, आपको डिपॉजिट विड्रॉल करना हम डेली सिखा ही रहे हैं, तो जिन लोगों ने अभी यहाँ पर सीखा है और जो लोग यहाँ पर सेल करना चाह रहे हैं बाई करना चाह रहे हैं, तो आप अपने प्राइस पर कर सकते हैं अभी साथियों। आपको और आगे यहाँ पर बताऊं, आप यहाँ पर स्वाइपिंग भी कर सकते हैं, अभी हमारा स्वाइपिंग भी डायरेक्टली ओपन है। आपको साथियों सिंपली आपको कहाँ जाना है, गूगल पर आपको स्वाइपिंग करने के लिए, स्वाइपिंग का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर बताता हूँ। आप जैसे आप गूगल पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर डालना है PLCU सॉरी PLC स्वाइपिंग.com, PLCSWAPPING स्वाइपिंग.com, और जैसे ही आप ये डालेंगे तो आपके सामने वही साइन इन का ऑप्शन आएगा, और आप साइन इन करेंगे तो आपका इस प्रकार से यहाँ पर ओपन होगा।
और आपका डैशबोर्ड यहाँ पर लॉगिन करने के बाद इस प्रकार से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी साथियों आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके सामने यहाँ पर आपके सामने अगर आपको स्वाइप करना है तो स्वाइपिंग के ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। साथियों ये आपका स्वाइपिंग का डैशबोर्ड है, आपको कौन सी करेंसी में कितने समय के लिए आपको स्वाइप, भी यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका ये डैशबोर्ड है और आपके मोबाइल में वही 3 लाइन का ऑप्शन आएगा और इस स्वाइपिंग का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको स्वाइपिंग पर आपको क्लिक करना है। और जैसे ही आप स्वाइपिंग पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके सामने 3 कॉइन यहाँ पर अभी दिखाई दे रहे हैं 3 ईयर के लिए। पहला है साथी PLCU, दूसरा है PLCU क्लासिक और तीसरा है PLCU X। तो अभी आपको यहाँ पर बता दूं, आप कोई भी कॉइन को यहाँ पर आप स्वाइप करेंगे तो फर्स्ट ईयर 1%, सेकेंड ईयर 2% और थर्ड ईयर 97% के मुताबिक आपको यहाँ पर स्मार्ट कॉइन आपका अनफ्रीज हो जाएगा। यानी कि आप उसे जितना भी करेंगे तो वो आपका जो इसका कैलकुलेटर बताएगा, अभी कैलकुलेटर के माध्यम से अगर आपको कैलकुलेटर में आपको चेक करना है कि कितना मैं स्वाइप करूंगा तो मुझे कितना कॉइन मिलेगा, अगर आपको वो चेक करना है तो आप जब आप लॉग इन करते हैं, लॉग इन करने से पहले आपको PLCUswiping.com डालेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस ओपन होगा। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जब आप लॉग इन करने से पहले जब आपका यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन होता है तो वहीं आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 3 साल के लिए और 5 साल के लिए आपको आपका कैलकुलेटर दिखाई देगा। मान लीजिए मुझे 3 साल के लिए कोई कॉइन को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर PLC क्लासिक और एक्स है। अभी हम क्लासिक की बात करें तो क्लासिक पर क्लिक करेंगे, अगर हमने 1 क्लासिक लिया है तो हमें 1 लाख स्मार्ट कॉइन मिलेंगे। और यहाँ पर कितने समय मिला है तो फर्स्ट ईयर 1%, सेकेंड ईयर 2 और थर्ड ईयर 97%। अगर हम इसे 5 साल के लिए करते हैं तो साथ ही यही हमारी क्वांटिटी दोगुना हो जाती है, फर्स्ट ईयर 1%, सेकेंड ईयर 2%, थर्ड ईयर 4%, फोर ईयर 8% और फाइव ईयर आपका 85% आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी साथियों यहाँ पर मान लीजिए कि आपको PLCUX करना है तो वो आपका 3 साल के लिए होगा, यहाँ पर हम 3 साल के उस पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास है मान लीजिए एक्स है तो आपको यहाँ पर 0.001 अगर आपके पास में है तो आपको 1000 स्मार्ट मिलेंगे। आप यहाँ पर देख पाएंगे फर्स्ट ईयर आपको 10 कॉइन मिलेंगे, सेकंड ईयर 20 और थर्ड ईयर 70, यानी कि 970 कॉइन। अगर आपके पास में 0.01 है तो इसका दस गुना आपको यहाँ पर मिलेगा, 10,000 कॉइन मिलेंगे। अगर आपके पास में 0.1 कॉइन है तो साथियों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि उसका आपको यहाँ पर 1 लाख कॉइन मिलेगा। तो अब आपका यहाँ पर डिसीजन है कि आपको कितने समय के लिए आपको स्वाइप करना है, आपके सामने क्या करना है। साथियों हमारे सिस्टम ने बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं, कई प्रकार से सिस्टम काम करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी साथियों हमारी जो इन सभी से भी बड़ी जो अपडेटिंग है वो अपकमिंग है, वो आपको अगले 2 दिन बाद में आपको पता चलेगी, तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारियां बताने वाले हैं। तो आपको इन सभी चीजों को यहाँ पर समझना है। अब मान लीजिए कि बहुत सारे दोस्तों के पास में 0.00 यानी 0.05 कॉइन है जितना भी, तो आपको यहाँ पर लिखना है, आपको पहले ईयर सिलेक्ट यानी कि साल सिलेक्ट करना है, फिर कॉइन सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर कॉइन लिखना है। तो आपको यहाँ पर दिखाएगा कितना कॉइन मिलेगा, फिर यहीं पर स्वाइपिंग यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डिटेल में, यहाँ पर आपको कितने साल आप साथ फर्स्ट ईयर यानी कि 1 साल में 500 कॉइन मिलने वाले हैं। अगर आप महीने का कैलकुलेशन निकालेंगे तो 500 का भाग 12 से करेंगे तो आपका 1 महीने का स्मार्ट निकल के आएगा। अब ये कहाँ पे दिखता है, मान लीजिए जैसे मैंने 1 क्लासिक को स्वाइप किया 5 साल के लिए, अब 1 क्लासिक को मैंने यहाँ पर स्वाइप किया तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने 1 क्लासिक को 2 लाख कॉइन हमें मिलने वाले हैं, तो पहले साल में कितने मिलेंगे 2000 कॉइन। अब 2000 कॉइन का हम 1% निकालेंगे तो कितना कॉइन होगा, यानी कि 2000 कॉइन का 12 से हम भाग करेंगे तो उसका जो 12वां परसेंटेज जो यहाँ पर निकल के आएगा तो वो साथ आपके यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको दिखाई देगा। अभी आपका डैशबोर्ड यहाँ पर आप देख पाएंगे, यहाँ पर डैशबोर्ड है। आप जैसे ही आप स्वाइपिंग करेंगे तो पहले आपको स्वाइपिंग कैसे करना है वो आपको दिखाते हैं। स्वाइपिंग करने के लिए सिंपली आपको साथ आपके सामने डैशबोर्ड में SWAP लिखा होगा, आप स्वाइप पर आप क्लिक करेंगे और जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कितने साल के लिए कौन सा कॉइन करना है, आपका डिसीजन है आपको 3 साल के लिए करना है कि आपको 5 साल के लिए, तो यहीं पर 3 साल और 5 साल का ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए मुझे 5 साल के लिए करना है तो 2 कॉइन यहाँ पर है PLCU और क्लासिक, हम क्लासिक को यहाँ पर कर सकते हैं, तो स्वाइप पर हम क्लिक करेंगे
और यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन के पॉपअप दिए गए हैं, तीनों जगह हम यहाँ पर टिक करेंगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर आई एग्री पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर आई एग्री पर आप क्लिक करेंगे तो आपका एक एड्रेस निकल के आएगा। अब आपको साथ ही इस एड्रेस पर, आप ये एड्रेस देख पा रहे हैं, आपको इस एड्रेस को कॉपी करना है। अब आपके अल्टीमा फार्म्स में, आपके वॉलेट्स में, आपके एक्सचेंज में, आपके डैशबोर्ड में, या फिर आपके अदर एक्सचेंज में, जहां पर भी आपका क्लासिक कॉइन है, आप इस एड्रेस पर भेजेंगे। ऑटोमेटिकली जैसे ही वहां से विड्रॉल सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। वो कहाँ पर आप चेक कर पाएंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ आपका स्वाइपिंग हिस्ट्री में आपका दिखाई देगा। आप यहाँ पर स्वाइपिंग हिस्ट्री पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर 0.938 इतना क्लासिक यहाँ पर स्वाइप किया है, इतना एक्स यहाँ पर स्वाइप किया है। जैसे आप ये स्वाइप करेंगे तो इसकी हिस्ट्री जानने के लिए आपको इन्हीं पर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर इनका स्टेटमेंट दिखेगा, कितने समय के लिए कितना कॉइन हुआ, कब कब हुआ। तो पहले महीने का आपको यहाँ पर मिल ही जाता, जैसे मैंने जिस दिन किया था तो मुझे 139 कॉइन मिल चुके हैं। अब मैं इसका विड्रॉल भी लेना चाहूँ तो यहाँ पर विड्रॉल भी हम ले सकते हैं। 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के अंदर आपका विड्रॉल सक्सेसफुल हो जाता है, तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके यानी कि जितने भी हमारे सिस्टम के जो भी कॉइन्स हैं तो उसके मल्टीपल यूजेस आ चुके हैं। तो आपका डिसीजन है आपको किस प्रकार से आपको यूज करना है, और आप जिस प्रकार से उसे यूज करेंगे तो आप लगातार उसके प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ से साथियों आपका जैसे आप स्वाइपिंग आपका सक्सेसफुल हो जाएगा तो स्वाइपिंग स्मार्ट बैलेंस में आपका यहाँ पर बैलेंस दिखाई देगा। और साथियों आपको यहाँ पर पे आउट पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर पे आउट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्मार्ट डिपॉजिट का आपको एड्रेस डालना है। अभी वो एड्रेस कहाँ से निकालेंगे तो आपको वो एड्रेस निकालना है कॉइंसबिट से। जैसे हमने कॉइंसबिट ओपन किया, हम अपने 3 लाइन पर वॉलेट पर जाएंगे, बैलेंस पर जाएंगे, तो वहीं वॉलेट डिपॉजिट और विड्रॉल का ऑप्शन ओपन होगा। और जैसे हम उस पर जाएंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको डिपॉजिट पर क्लिक करना है। डिपॉजिट में आपको एड्रेस निकालना है स्मार्ट का। तो अभी जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, आपको यहाँ पर थोड़ा सा समय लगेगा, आपको यहाँ पर अपना कॉइन सिलेक्ट करना है, SMART, आपको स्मार्ट लिखना है। जैसे आप स्मार्ट लिखेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारे यहाँ पर स्मार्ट कॉइन, जो स्मार्ट ब्लॉकचेन का स्मार्ट कॉइन है, तो उसका डिपॉजिट एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। आपको स्वाइप करने के बाद आपको अपने उसी डैशबोर्ड पर जाना है, यहाँ पर आपको वो एड्रेस आपको पेस्ट करना है। और जैसे ही आप यहाँ पर अपना एड्रेस पेस्ट करेंगे, और साथ ही आपको यहाँ पर आपको कितना कॉइन विड्रॉल करना है, टोटल करना है, तो आप मैक्स कर देंगे। यहाँ पर कोई विड्रॉल की फीस नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फीस फ्री। यहाँ पर एड्रेस यानी कि आपको एड्रेस चेक करना है कितना कॉइन यहाँ पर आपको ट्रांसफर करना है। तो आपको ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आई होंगी। अभी हम और आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। यहाँ पर आप जैसे इसे विड्रॉल कर देंगे तो वही फिर आपका कॉइंसबिट का आपका काम आ जाएगा। आप बाय सेल, डिपोजिट, विड्रॉल्स, आप सारी चीजें यहाँ पर आप कर पाएंगे। तो आपके सामने यहाँ पर आपका मार्केट ओपन है। आप जो करेंसी को जिस भी पेयर में आप करना चाहें, ये प्रोसेस आपको सीखनी होगी। और ये प्रोसेस सीखने के लिए आपको लगातार इस जूम मीटिंग में आते रहना है, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि आपको किस प्रकार से फायदा लेना है। अभी साथियों आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि अभी हमारे पास में मात्र 2 दिन का टाइम बचा हुआ है। आपको बता दें 2 दिन के बाद में आपके पास में फार्म्स नहीं होंगे, तो आपको यहाँ पर जो हमारे मिंटिंग के फार्म्स हैं तो आपको इन पर सबसे पहले आपको फोकस करना है। और साथियों जैसे आप यहाँ पर इन फार्म्स को बाय करेंगे, 2 दिन के बाद में आपके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं होगी और आप अपने एसेट को डेवलप नहीं कर पाएंगे। यानी कि अभी आप ट्रेडिंग करने के लिए आप कितने भी कॉइन खरीद रहे हैं, ना तो वो आपका कॉइन बढ़ेगा और ना ही आपका कॉइन घटेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर फार्म्स को बाय करते हैं तो आप अपने कॉइन को 5 गुना तक, यानी कि 4 से 5 गुना तक आप ग्रो कर पाएंगे। तो आपके साथ में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको इस चीज का यहाँ पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। अभी हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर समझी, आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमारे लिए टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो आप साथियों आपको अपनी पूरी टीम को ये जानकारी देनी है कि अभी हमारे पास से मात्र 2 दिन का टाइम बचा हुआ है, और इन 2 दिन के अंदर हम किस प्रकार से आगे काम करेंगे, 2 दिन के अंदर हम कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का हम फायदा दे सकते हैं। तो जितने ज्यादा लोगों को आप इनवाइट करेंगे, जितने ज्यादा लोगों को आप रेफर करेंगे, क्योंकि अभी साथियों हमारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है कैशबैक प्रोग्राम, तो अभी आपको उसके बारे में अगले 2 दिन बाद में आपको इसी जूम में आपको जानकारी मिलेगी। और साथियों कैशबैक प्रोग्राम इतना यूनिक है, कोई व्यक्ति अपने आप को रोक नहीं पाएगा उसे बाय करने के लिए, क्योंकि कैशबैक प्रोग्राम आप यहाँ पर देखेंगे
तो उसमें आपका नेटवर्क आपको बहुत तेजी से आपका ग्रो होगा, और वहां पर आपको कमीशन भी दो प्रकार से आपको मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अभी आप मेहनत कर रहे हैं लगातार, तो आपको यहाँ पर फार्म्स पर कमीशन मिल रहा है। जो व्यक्ति स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो उस व्यक्ति को अपना कॉइन वापस मिल रहा है, यानी कि उसे जो उसने फ्रीज किया वो से कॉइन वापस मिल जाता है। यहाँ पर साथियों अगर आप कैशबैक के वाउचर्स आप रेफर करेंगे तो उसके बारे में जानकारी आपको जैसे वो आ जाएंगे तभी आपको देंगे, जानकारी पता है। फिर भी आपको आगे आपको इसी मीटिंग के माध्यम से पूरा सिस्टमेटिकल प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो अभी मैं इस मीटिंग को और आगे कंटिन्यू करने के लिए मैं यहाँ पर इनवाइट करूंगा हम सभी के ग्रेट अपलायंस मिस्टर ललित त्यागी सर जी को। तो वेलकम मिस्टर ललित सर जी, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो आप आए, आप एक जबरदस्त मैसेज दें कि अभी हमें अगले 2 दिन के अंदर हमें किस प्रकार से आगे काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम 2 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कैसे मीटिंग के फॉर्म्स रेफर कर सकते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इनवाइट कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का हम कैसे फायदा ले सकते हैं। तो वेलकम मिस्टर ललित सर, आप आए और इस मीटिंग को और आगे कंटिन्यू करें, वेलकम, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा भाई आपका। और एक बार फिर से आपने साबित किया है कि लर्निंग की पावर क्या होती है। मैं सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग आपको वेटिंग रूम में दिखाई दें तो प्लीज आप उनको एंट्री दें। तो अभी कुशवाहा भाई ने हमें पूरी जानकारी दी, तो मैं चाहूंगा सभी लोग कुशवाहा भाई के लिए एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करें। सर ये बनती है उनके लिए, इतनी कम एज के अंदर इतनी मैच्योरिटी, और आज हम सब उनसे बड़े हैं और हम सब लोगों को वो एजुकेट कर रहे हैं, हम सब लोगों को सिखाने का काम कर रहे हैं। तो मैं दिल से आपको थैंक्स बोलता हूँ सर, और ये हम सब लोगों की तरफ से ये आपके लिए एक हमारी प्रार्थना भी है ईश्वर से कि आप बहुत तरक्की करें, ऐसे ही आप मेहनत करते जाएं, यही जुनून आपके अंदर बरकरार रहे। क्योंकि साथियों जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए आपको पता है नॉलेज से ज़्यादा जुनून की जरूरत होती है। आपका जुनून आपको कामयाब करता है, नॉलेज नहीं कामयाब करती। आपने कई बार स्पीकर्स को सुना होगा जो सुबह 8 बजे जब हमारे बीच में सोनू शर्मा जी या हमारे जो भी जैन साहब बोल रहे थे कि नॉलेज तो हमें इस चीज की भी है कि भाई शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, नॉलेज तो हमें इस चीज की भी है कि सिगरेट पीना हानिकारक है, लेकिन नॉलेज के बावजूद भी हम पीते हैं। तो इसलिए नॉलेज होना ना होना मायने नहीं रखता, असली चीज है आपका एक बुलंद इरादा और आपका जुनून। अभी सर ने आपको बता दिया जो कल चेंजेस हुए, कल अचानक में रात को सब लोग खुश हुए कि सर हमारे एक्स का पेयर यूएसडीटी के साथ हो गया है, हमारे यू का सी का पेयर स्मार्ट कॉइन के साथ हो गया है। और साथियों ये एक बहुत बड़ा कदम है कंपनी का, क्योंकि जब स्मार्ट कॉइन के साथ सारे कॉइन का पेयर होगा तो स्मार्ट कॉइन की डिमांड बनेगी। और जो हम कई दिन से देख रहे थे कि स्मार्ट कॉइन कहीं ना कहीं हमारा अभी 0.1 की बजाय 0.05, 0.06, 0.07 के ऊपर चल रहा था, तो उसको भी यहाँ से अब एक बूस्ट मिलेगा, उसको भी यहाँ से एक ताकत मिलेगी। साथियों भी हमारे कुशवाहा भाई ने बताया कि हमारे पास आज और कल का दिन है जहाँ हम मिंटिंग बोट को बाय कर सकते हैं अल्टीमा टोकन की। आपको पता है सारे काम अल्टीमा टोकन से होने हैं। अभी जो हमारे कैशबैक के वाउचर शुरू होंगे तो वो सारे भी हमारे जो होंगे वो अल्टीमा टोकन से ही हम लोग खरीद पाएंगे। तो आने वाले टाइम में अल्टीमा टोकन की बहुत बड़ी डिमांड बनेगी, और जब अल्टीमा टोकन की डिमांड बनेगी तो उसका प्राइस भी कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। ऐसा हो सकता है, मेरी बात को कभी आप वही जैसे अभी योगेश भाई कह रहे थे कि हमारी बात को पकड़ना नहीं है, ये दुनिया और ये जिंदगी ये केवल संभावनाओं पर चलती है मेरे भाई। यहाँ वारंटी गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। आज अगर मैं लोगों की गारंटी ले लूँ, मेरी गारंटी मेरे पास नहीं है, मैं कितने दिन इस दुनिया में हूँ। तो साथियों वारंटी गारंटी किसी बिजनेस में किसी व्यापार में जिंदगी में नहीं होती है, जिंदगी केवल संभावनाओं पे चलती है, अपॉर्चुनिटीज पे चलती है। तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक संभावना है कि कल को जब हम इस अल्टीमा टोकन की बोट को बाय करेंगे और हर महीने हमारा अल्टीमा टोकन बन के आएगा, और कल को अगर उसके रेट ग्रो हो जाते हैं तो आपका प्रॉफिट यहाँ से दुगुना तीन गुना चार गुना भी हो सकता है। जब हम कैशबैक के रूप में अल्टीमा टोकन को वापस लेंगे और रेट ग्रो होता है तो आपका कैशबैक 100% की बजाय 200%, 300%, 500%, 1000% भी जा सकता है, और ये घट भी सकता है। क्योंकि आपको पता है ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है, यहाँ पे कोई भी चीज स्टेबल नहीं है, यहाँ अप डाउन्स चलते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं समझने की चीज है। साथियों इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग पिछले कोई 1 साल से है, कोई 2 साल से है, मैं 4.5 साल से हूँ, हमारे अपलाइन यहाँ पे 5 साल, 6 साल, 7 साल से हैं। तो जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पहले दिन से भरोसा करके खड़े हुए हैं उनके जीवन के अंदर बदलाव आया है। आज टाइम थोड़ा उतार चढ़ाव भरा है, तो साथियों ये जिंदगी में हर जगह आता है।
हम लोग कोई जॉब करें वहां भी उतार चढ़ाव होता है, हम लोग कोई व्यापार करें, दुकान करें, छोटा हो बड़ा हो, वहां भी अप डाउन आते हैं। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन अप डाउन्स को साइड करके जो हमारा काम है वो हमें अंजाम देना है। कंपनी कितना ही बेहतरीन से बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए, कितना ही मजबूत अपनी टेक्नोलॉजी को कर ले, कितना ही मजबूत टोकन ले आए, लेकिन जब तक आप और हम काम नहीं करेंगे, जब तक पूरी दुनिया इसको यूज नहीं करेगी, तो वो बड़ा होने वाला नहीं है। कंपनी का काम है बेस्ट से बेस्ट टेक्नोलॉजी देना, और आपका मेरा काम है कम्युनिटी को बिल्ड करना बिना लालच के। अगर हम किसी को लालच दे के लाएंगे कि भाई यहाँ पे आपका पैसा 1 महीने में 10 गुना हो जाएगा, और वो कल को ऐसा नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं फिर वो बंदा पैनिक होगा, आपको भी वो आपको भी डिफेम करेगा, कंपनी को भी डिफेम करेगा। तो ऐसा नहीं करना है हमें, 110 यूरो के पैकेज के साथ काम करना है। और मैं रात भी बात कर रहा था, अभी दोबारा फिर मैं उसको दोहराना चाहूंगा, अगर एक व्यक्ति अपने डायरेक्ट में, अभी जैसे कि कुशवाहा भाई के डायरेक्ट में उन्होंने बताया कि 90 लोग हैं, अगर कुशवाहा भाई उन 90 लोगों में से केवल 10 लोगों को सिलेक्ट करें जो काम करने वाले हैं, और उन 10 लोगों के माध्यम से केवल 110 यूरो के पैकेज पे काम करें, और 10 लोगों की फ्रंट में 10 10 लोगों को ज्वाइन कराएं, तो सेकंड लेवल पे 100 लोग आ गए, ऐसे ही थर्ड लेवल पे 1000 लोग आएंगे केवल 110 यूरो के पैकेज के साथ। तो कुशवाहा भाई, आप अगले 6 से 7 महीने में उन 10 लोगों को डायमंड लेके चले जाओगे। अगर आपके 10 लोग आपके अगले 6 से 7 महीने में डायमंड बनते हैं, तो कुशवाहा भाई आपके पास कितना बड़ा इंसेंटिव आता है। अगर आप कल्पना करोगे ना सर, आपकी 4 पीढ़ी बैठ के खा सकती है, केवल 10 लोगों को डायरेक्ट में अगर हम डायमंड लेके जाएं और अपनी एक संतुलित जिंदगी को जिए, तो 4 पीढ़ी हमारी उस पैसे को खा सकती है बैठ, केवल 10 लोगों को डायमंड ले जाके बिना लाइबिलिटी के, केवल 110 यूरो के पैकेज के साथ। तो मेरी आगे भी आप सबसे रिक्वेस्ट है, किसी भी व्यक्ति को हमें यहाँ इन्वेस्टर बना के नहीं लाना है, हमें उन्हीं लोगों को लाना है जो व्यक्ति अपने माध्यम से अपने जैसे 10 लोगों को इंट्रोड्यूस करा सके। अगर हम केवल 10 के फार्मूले पे काम करते हैं, तो कितना बड़ा काम हो सकता है। अगर आप डायमंड हैं और डायरेक्ट में 10 लोगों को अगले 8 महीने में आप डायमंड लेके चले गए, तो आपके पास 10 लोगों का जो टोटल टर्नओवर आएगा, उसका 15% 16% तो आपके पास इन्फिनिटी आने वाला है। कैलकुलेशन करके देखो, और मैं चाहूंगा अपनी टीम को आप ये कैलकुलेशन दें, इससे हमारे वर्किंग का पोटेंशियल पता लगेगा। अब तक हम लोगों ने कैलकुलेशन दी किसके ऊपर, पैसिव इनकम के ऊपर, इतना लगाओ इतना आएगा, जो गलत साबित हुई, और ये संभव ही नहीं है, ये चल ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम वर्किंग का पोटेंशियल बताएं, तो वर्किंग पे हर एक व्यक्ति को इनकम आने वाली है। कोई व्यक्ति हमारे बीच में ऐसा नहीं होगा जो आज ये कह दे कि सर मैंने वर्किंग की, मेरी रैंक आई, रैंक का बोनस नहीं आया, मैंने अपने नीचे लोगों को इंट्रोड्यूस किया लेकिन मुझे लेवल बोनस नहीं आया। क्या कोई है हमारे बीच में ऐसा जिसका रैंक बोनस ना आया हो, लेवल बोनस ना आया हो, या कंपनी ने देरी की हो, उसको कंपनी को मेल डालना पड़ा हो? बिल्कुल नहीं करना पड़ा होगा। तो साथियों, विश्व का पहला प्लेटफॉर्म है जहां विद इन सेकेंड आपका पे आउट आता है, विश्व का पहला प्लेटफॉर्म है जहां हर रोज, हर घंटे, हर सेकंड क्लोजिंग है। नहीं तो आपने देखा होगा किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर 15 दिन में क्लोजिंग होती है, किसी के ऊपर 1 महीने में क्लोजिंग होती है, यानी वहां हमारा पे आउट 15 दिन में 1 महीने में आता है। तो यहाँ कितना बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग यहाँ पे वर्किंग के पोटेंशियल को समझना है, और कल को अगर हम किसी भी नए व्यक्ति को आप विजन दें कि अगले 5 साल आप यहाँ टिकोगे, और अगले 5 साल में अगर आप यहाँ से प्लेटिन डायमंड, डबल प्लेटिन डायमंड, बिलियन डायमंड बनते हो, तो आप यहाँ से कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। और ये वो रेवेन्यू है जो Recording stopped. कॉइन का रेट कल को अप डाउन हो सकता है क्योंकि वो मार्केट का सिनेरियो है, लेकिन वर्किंग आपके हाथ में है। तो हमें वो काम करना चाहिए जो हमारे हाथ में है। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी ये कि वर्किंग के पोटेंशियल को लोगों को हमें बड़ा करके समझाना है, हमें किसी भी व्यक्ति को यहाँ इन्वेस्टर बना के नहीं लाना है। कल को जितने भी हमारे वाउचर आ रहे हैं साथियों, आप समझ सकते हो कितना बड़ा पोटेंशियल है उसके अंदर। एक ऐसा प्रोडक्ट कंपनी ने डिजाइन कर दिया है जो एक व्यक्ति बार बार लेगा। जब योगेश जी को पता लगेगा कि उनकी गाड़ी का पेट्रोल फ्री हो सकता है, तो ये गाड़ी के पेट्रोल के लिए वाउचर लेंगे। जब इनको पता लगेगा कि मेरी रसोई का खर्चा फ्री हो सकता है, तो ये रसोई के खर्चे के लिए वाउचर लेंगे। जब इनको पता लगेगा कि जो मेरे रेस्टोरेंट के खर्चे हैं, मेरे मेरी शॉपिंग है, सारी चीजें हैं, मेरे बच्चों की फीस है, वो फ्री हो सकती है, तो फिर ये अपने अल्टीमा कार्ड, जो इनका अल्टीमा कार्ड है, उसका फिर यहाँ से ये कैशबैक वाउचर लेंगे। ऐसे ही मैनी मोर कंपनी के प्रोजेक्ट हैं जिनके ऊपर हम लोग जाके अपने जीवन को आसान बनाएंगे। एक ही प्रोडक्ट जब बार बार हम कंपनी से बाय करेंगे, तो साथियों आपको पता है उसकी डिमांड कितनी बनेगी। और जब बार बार आपका अल्टीमा टोकन बाय होगा, बार बार स्मार्ट कॉइन की फीस लगेगी, तो आपका स्मार्ट कॉइन भी मेंटेन होगा, और आपके जो अल्टीमा टोकन है उसकी वैल्यू भी ग्रो करेगी। तो
सोच के देखो, जब पूरा विश्व अल्टीमा टोकन के माध्यम से खरीदारी करेगा, अपनी रोज की जरूरतों को पूरा करेगा, तो कितनी बड़ी कम्युनिटी हमारे साथ आ सकती है। जो कंपनी का सपना है कि 10 करोड़ लोग हमारे नेटवर्क के अंदर हो, तो वो इस माध्यम से हो सकता है। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी ये कि सभी लोग प्रोडक्ट के पोटेंशियल को समझें। कल आपको पता है, कल जब हम सुबह वीडियो सुन रहे थे सोनू शर्मा जी का, उन्होंने बताया था कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के अंदर सबसे जरूरी है, सबसे अहम बात है उस प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होना। अभी जो हमें पूरी जानकारी कुशवाहा भाई ने दी है, तो मैं चाहता हूं कि ये सारी की सारी जानकारी हम सबको हो, क्योंकि अगर हमें अपने प्रोडक्ट की, अपने प्रोजेक्ट की, अपने प्लेटफॉर्म की पूरी नॉलेज होगी, तो सामने वाले बंदे पे इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि लोग कंपनी के साथ नहीं जुड़ते, लोग आपके साथ जुड़ते हैं। लोग आपको देखते हैं कि आपके हाथ में उनका फ्यूचर सेफ है या नहीं, लोग आपको देखते हैं कि आपको प्रॉपर नॉलेज है या नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डेली हम यहाँ आए और केवल यहाँ बैठ के चले जाएं, ना हमारे पास कोई नोट्स हो ना कोई नॉलेज हो, सर कुछ होने वाला नहीं है। और ये एक प्रैक्टिकल चीज है, जितनी बार आप इसके करके देखोगे ना, उतने दक्ष बनोगे आप इसके लिए। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहां से मीटिंग होने के बाद अपनी टीम के साथ आप ये सब चीजें करके देखा करें। अपनी टीम को बैठाएं, उनको बताएं कि बाइनेंस के ऊपर कैसे हम यूएसडीटी को सेल करते हैं, बाय करते हैं, कैसे हम कॉइंसबिट को यूज करते हैं, कैसे अपने डैशबोर्ड को यूज करते हैं। अगर आप डेली इसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी टीम के अंदर हर व्यक्ति प्रैक्टिस करने वाला है। और साथियों, यहाँ कामयाब होने का सबसे आसान फार्मूला है, जैसे आप हो अपने जैसे 100 लोग टीम के अंदर डुप्लीकेट कर दो। अगर आपकी टीम के 100 लोग ये सारी चीजें करना जान जाएंगे, तो कभी दिक्कत आने वाली नहीं है। अब जब 100 लोग आपके फील्ड में जाके काम करेंगे पूरे महारथी की तरह, तो कितना बड़ा काम यहाँ से हो सकता है। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ सीखना भी है और सिखाना भी है, और सिखाएगा वही जो खुद सीखेगा। आपको ही नहीं आता, किसी को क्या सिखाओगे? या आपको गलत आता है तो गलत सिखाओगे, और गलत का रिजल्ट ही आएगा, गलत का रिजल्ट गलत ही आएगा। तो साथियों, मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 4.5 साल से हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ स्वामी सर का, जिनकी उंगली पकड़ के मैं चला, आज भी चल रहा हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे यश जी का, और धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सबका, क्योंकि मैं आप सबसे कुछ ना कुछ सीखता हूँ। डेली डायरी पेन लेके बैठता हूँ, नोट करता हूँ, जो भी नई चीज मिलती है उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, और बहुत ईमानदारी से अपना काम करने की कोशिश की। कभी किसी को मैंने लालच नहीं दिया कि यहाँ इतना लगाओ इतना आएगा। हमेशा हर व्यक्ति को यही बोला, 110 यूरो लगाओ, सिस्टम को सीखो और आगे बढ़ो, रिजल्ट आपके सामने है। आज आपके बीच में यहाँ खड़े हैं, बात कर रहे हैं, तो ये केवल इसी चीज का नतीजा है कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर भरोसा मुझे अटूट है। मुझे बहुत भरोसा है अपनी पूरी टीम के ऊपर। दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी पूरी टीम का, जिनके माध्यम से आज ये सफर इतना आसान हुआ। और मेरी आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट रहेगी, अपनी टीम को बहुत रिगार्ड दें, बहुत प्यार दें, क्योंकि आपकी टीम ही वो चीज है जो आपको इस सिस्टम के ऊपर ऊपर ले जाने में आपकी हेल्प करती है। तो अपनी टीम के साथ ईमानदारी से मेहनत करें, टीम को ईमानदारी से वही नॉलेज दें जो राइट है, जो सही है। कभी भी किसी को हमें लालची बना के ना यहाँ लाना है, और ना लालची बन के किसी के घर पे जाके उसको प्लान देना है। अगर आप किसी के घर जाओ और ये सोच के जाओ कि अगर मैं इसकी हेल्प करूंगा, ये सिस्टम के ऊपर मेहनत करेगा, तो इसकी जिंदगी बदल सकती है, यानी कुछ देने के हिसाब से जाओ। जब आप देने की नीयत से वहां जाओगे, तो साथियों ऑटोमेटिक आपके शब्दों में ताकत होगी। और अगर आप ये सोच के जाओगे कि ये व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन हो और मेरे पास एक मोटा सा यहाँ से बोनस आ जाए, कमीशन आ जाए, तो फिर सर आपके शब्दों में जान नहीं होगी। वहां झूठ बोलने के चांस भी हैं, वहां लालच देने के चांस भी है। तो मैं तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सिस्टम के ऊपर आप अगर ईमानदारी से, सच्चे मन से मेहनत करते हैं, और 3 से 5 साल का विजन लेके यहाँ पे आते हैं, तो साथियों हम वो कर सकते हैं जो शायद हम इस जन्म में नहीं, अगले 2 जन्म में भी नहीं कर सकते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कुशवाहा भाई का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे कॉल किया। अगर हमारे बीच में यहाँ पे स्वामी सर हैं, हमारे बीच में यहाँ पे आकाश भाई हैं, बाकी तमाम लीडर्स हैं, तो 2-2 मिनट हम उनको भी सुनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुशवाहा भाई आपका, और एक बार फिर कुशवाहा भाई पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही जबरदस्त मैसेज दिया। और साथियों, हमें इसी प्रकार से आगे काम करना है, तो हमारे बीच में हम सभी के ग्रेट अपलाइन मिस्टर विनोद स्वामी सर जी आ चुके हैं, तो वेलकम सर, आप आए और आप भी आके 2 मिनट का यहाँ पर मैसेज दें। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, त्यागी सर एंड ऑल टीम। साथियों, आज का दिन बहुत ही ग्रेट दिन है, तो सबसे पहले तो हम आज दिल से एलेक्स सर की एक लंबी आयु के लिए कामना करेंगे, क्योंकि आज एलेक्स सर का बर्थडे है। और आज का जो दिन है, ये एक फ्यूचर में एक ऐतिहासिक कार्य होने वाला है।
क्योंकि शायद अभी प्लेटिन वर्ल्ड के ही लोगों को पता है कि आज हमारी कंपनी के सीईओ का बर्थडे है, लेकिन अभी बाकी प्लेटफॉर्म के लोगों को नहीं पता है। लेकिन जब एक शख्सियत कुछ समय के बाद एक पूरे वर्ल्ड पटल पर अपनी पहचान बनाती है, तब लोगों को लगता है कि वास्तव में हाँ आज कुछ हुआ है। जैसे आज जितने भी महापुरुष रहे हैं, जब वो इस धरती को छोड़ के जाते हैं तो वो सैकड़ों साल तक उनको सेलिब्रेट किया जाता है, उनकी जो है आज के जन्मदिन को। तो आने वाले टाइम में एलेक्स सर के बर्थडे को पूरी दुनिया सेलिब्रेट करेगी, क्योंकि ये कोई साधारण शख्सियत नहीं है, एक ऐसी शख्सियत जो 7 साल पहले एक डिसीजन लेती है और लोगों के साथ खड़ी होती है, अपनी टेक्नोलॉजी लोगों के बीच में रखती है और लोगों को साथ लेकर चलने का प्रॉमिस करती है, लोगों की लाइफ को बदलने का एक मतलब जिम्मा अपने ऊपर उठाती है। तो डेफिनेटली आज लोगों की लाइफ बदल भी रही है और अभी आगे फ्यूचर में लाइफ बदलेगी। अभी जो प्रोसेस रहा है हमारा, ये उतार चढ़ाव का प्रोसेस रहा है। इसमें कई बार लोगों को अफसोस भी होता है कि काश मैंने एक अच्छे प्राइस पे कॉइन को कैश क्यों नहीं किया। कई बार तरह तरह की बातें मन में आती है, लेकिन साथियों होता वही है जो उस परमात्मा ने लिख दिया है। टाइम से पहले कभी कुछ नहीं होता। हमारे अगर नसीब में होता तो शायद हम लोग एक अच्छे प्राइस पे चीजों को कैश करते, हमारे नसीब में नहीं है तो हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन आज हम लोग आज इस सिस्टम के ऊपर बढ़े हुए, तो इतनी उम्मीद हर व्यक्ति को है, यहाँ पर आज 300 व्यक्ति है, कि ये सिस्टम हमारी लाइफ को बहुत मजबूत करने वाला है। ये सिस्टम जो हम लोग चाहते हैं वो हमें देने वाला है। अगर हम लोग अपने आप को प्लेटिन वर्ल्ड से हटाकर कहीं दूसरी ओर देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम लोग इतनी मजबूती के साथ अपना फ्यूचर संवार सकते हैं या विचार भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जब अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो हमें अंदर से एक एनर्जी मिलती है, क्योंकि हम लोग एक ऐसे शियो के साथ खड़े हैं, एक ऐसी मजबूत टीम के साथ हम लोग खड़े हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर अगले 1-2 साल के बाद हमारी लाइफ बदलना तय है। साथ ही होता यही है कि जब कई बार चैलेंज आते हैं तो चैलेंज को देखकर लोग घबरा कर भाग जाते हैं। आपने देखा होगा कि 100-100 फुट के गड्ढे, एक मतलब 10-10, 20-20 फुट के गड्ढे जब कोई भी व्यक्ति खोदता है तो कभी भी बड़ी सक्सेस नहीं मिलती, लेकिन अगर 100, 200, 300 फुट का एक ही गड्ढा खोदा जाए तो 100% सक्सेस मिलती है, 100% पानी निकलता है जो हमें चाहिए होता है। आपने देखा होगा कि जो डायमंड होता है वो जब नीचे धरती में कहीं ना कहीं कोयले की खान में दबा होता है, तो कुछ साथी होते हैं जो उसको खोदने का तो प्रयास करते हैं, उसके नजदीक भी पहुंचते हैं, लेकिन पता चला कि जैसे अगले ही दो चोट लगानी थी और उसके हाथ में वो कीमती हीरा आ सकता था, लेकिन वो उस चोट के बिल्कुल नजदीक पहुंचने से उसका मन विचलित हो गया और वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह के ऊपर काम करना चालू करता है। फिर दूसरी जगह वो नजदीक जाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसका मन विचलित हो जाता है, फिर वो तीसरी जगह, और वो सक्सेस के कभी भी नजदीक नहीं आ पाता। तो इससे क्या होता है, केवल हम लोग भटकते हैं। एक उदाहरण है, एक बहुत बढ़िया कहानी है, लेकिन जो व्यक्ति एक जगह टिका रहता है, एक ही जगह खुदाई खोदता है, उसको जो चाहिए वो मिलता है। एक बहुत बढ़िया स्टोरी मैंने सुनी थी, मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। एक मकड़ी होती है और मकड़ी को भूख लगी होती है, तो मकड़ी सोचती है कि मेरे को जो भूख लगी हुई है तो मैं एक काम करती हूँ, पहले मैं मेरा जाला बुनती हूँ। तो वो एक खिड़की के पास पहुंचती है और खिड़की के पास जब अपना वो जाला बुनना चालू करती है, आधा तकरीबन उसका जाला हो जाता है, तो बाहर एक चिड़िया बैठी थी और चिड़िया बोलती है कि मकड़ी तू तो पागल है, तू यहाँ पर कहाँ पर तू अपना जाला बुन रही है, यहाँ तो तेज हवा आएगी, तेज हवा का थपेड़ा तेरे इस जो है बनाए हुए इस घर को खत्म कर देगा, तेरा जो जाला है वो हट जाएगा, तो तू कैसे, ये तो लंबा समय चलने वाला नहीं है। अब मकड़ी को बात समझ में आ जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि खिड़की बार बार बंद होगी, खुलेगी या तेज हवा आ जाएगी तो मेरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो वो बोलती है चिड़िया से कि बताओ मुझे कहाँ पे घर बनाना चाहिए। चिड़िया बोलती है ये पंखा जो है बंद पड़ा है ऊपर काफी समय है और इसकी कोई केयर करने वाला भी नहीं है, तो इसको अपना घर बना सकती है। वो मकड़ी वहां से अपना जगह चेंज करके टंगे हुए पंखे के ऊपर अपना जाला बनाना चालू करती है और तकरीबन 75% अपना जाला बना चुकी होती है। तभी वहां पर एक छिपकली आई और छिपकली बोलती है कि मकड़ी तू यहाँ पर क्या कर रही है। मकड़ी बोलती है मैं अपना यहाँ पर जाला बुन रही हूँ। कहले कि तू तो पागल है, ये तो पंखा कल उतरने वाला है, यहाँ पर अभी मेरी कल मैंने सुना है कि कबाड़ी आएगा इस घर के अंदर और ये जो पुराना पंखा है ये इसको लेकर जाएगा। अब उसको बात समझ में आ जाती है कि मेरी मेहनत फिर बेकार चली जाएगी, तो एक काम करती हूँ मैं यहाँ से अपना स्थान चेंज करती हूँ और इसको अपना घर बनाती हूँ दूसरी जगह को। वो वहां से अपना स्थान हटाती है और
और मकान के कॉर्नर में जाकर अपना घर बनाना चालू कर देती है। ऐसे करके उसने चार पांच जगह अपना जो है पूरी मेहनत करी और हर जगह से उसको यही एक लोगों ने बोला, चाहे वो छिपकली के रूप में बोला गया हो, चाहे वो चिड़िया के रूप में बोला गया हो, कि तुम गलत जगह अपना घर बना रहे हो। और जब वो चौथी पांचवी जगह अपना घर बनाती है तो साथ ही वो घर नहीं बना पाती है, वो इतनी थक चुकी होती है और उसे अपने ऊपर इतना अफसोस होता है क्योंकि उसको भूख भी लगी होती है लेकिन उसके अंदर एनर्जी नहीं है। तो हम लोग जब दूसरों की सलाह मानते हैं, दूसरों की सलाह मानकर हम लोग भ्रमित होते हैं कि प्लेटिन वर्ल्ड में हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, कहीं और अपना घर बना लेते हैं। पता चला कि वहां पे घर बनाना चालू करते हैं और यहाँ पे सक्सेस के नजदीक होते हैं और वो घर 2 महीने में गायब हो जाता है, जैसे अभी हुआ है। किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा लेकिन 2 महीने हुए और वो घर उनका ढह गया, पे आउट बंद हो गए। अब वहां पर घर बना, फिर वहां पर कुछ लोग बोलते हैं नहीं जी अब यहाँ पर नहीं है, अब कहीं नई जगह घर बनाते हैं। फिर वो नई जगह घर बनाना चालू करते हैं, पता चला वहां पर भी कुछ ना कुछ होने वाला है। ऐसा करते करते हम लोग अपना जीवन भर इधर उधर मेहनत करते हैं, अपने एनर्जी का हरासमेंट करते हैं, अपने माइंड का संतुलन जो है एक जगह हम लोग कर नहीं पाते, तो इसलिए हम लोग कभी बड़ी सक्सेस ले ही नहीं पाते। आज वही व्यक्ति परेशान है जो व्यक्ति स्टेबल नहीं है। साथियों, जो चैलेंज आज आप लोग फेस करें, क्या वो चैलेंज हम लोग फेस नहीं कर रहे? डेफिनेटली हम लोग आपसे भी ज्यादा मतलब फेस कर रहे हैं। क्यों इसलिए फेस कर रहे हैं? यहाँ पर आप मानकर चलिएगा, त्यागी जी अभी स्पीच देकर गए, डबल प्लेटिन डायमंड रैंक है, मैं डबल प्लेटिन डायमंड रैंक के ऊपर हूँ। आज शायद आप सोच भी नहीं सकते हम लोगों की कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर लगी हुई है, यानी कि डबल प्लेटिन डायमंड की 24 करोड़ की, प्लेटिन डायमंड की 12 करोड़ की, ब्लैक डायमंड की 2 करोड़ 40 लाख की, A to Z जितना भी हम लोगों ने अभी तक यहाँ पर अर्न किया है 100% ही हम लोगों ने यहाँ पे निवेश किया है, बल्कि और दाएं बाएं से भी हम लोगों ने किया है क्योंकि हमारा फेथ कंपनी के ऊपर इतना ज्यादा है। हाँ अभी थोड़ा विचलित है, थोड़ा कहीं ना कहीं हमें लगता है यार अभी हाथ में लिक्विडिटी नहीं है तो कैसे होगा, कैसे हम लोग अपनी लग्जरियस को जी पाएंगे, लेकिन आज दिल के किसी एक कोने में आज जितने भी टॉप लीडरशिप है हर हर किसी को एक विश्वास है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो मल्टीपल टाइम होकर हमारे को मिलने वाली है। अल्टीमेटली शायद हमारे को लॉस भी ना हो, कंपनी कुछ ऐसा सॉल्यूशन लेकर आएगी जैसे लेकर आई है अभी स्वैपिंग। अभी स्वैपिंग जैसे एलेक्सर की प्लानिंग चल रही है, हो सकता है आने वाले वक्त में 5 या 10% की स्वैपिंग चालू हो जाए, हो सकता है ऐसा भी कुछ हो जाए कि एक ही झटके में जितने भी अलग अलग चैप्टर को क्लोज किया जाए। पता चल रहा है कि 15 दिन के अंदर PLC को क्लोज करना है परमानेंटली, तो PLC की सारी लिक्विडिटी कंपनी डालेगी और सारा PLC उठाएगी। हो सकता है कंपनी सोचे कि ये एक्स को खत्म करना है, मार्केट से सारा एक्स उठाएगी, उसको खत्म करेगी, क्योंकि ये एक एक चीज हो सकती है। मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है अगर एलेक्स से प्रयास करेंगे, या उनका कुछ भी उनके उनके अंदर क्या है वो तो देखो हम लोग नहीं कह सकते। अभी हम लोग दुबई जा रहे हैं तो उनसे बहुत हेल्दी डिस्कशन हमारा रहेगा क्योंकि कंपनी भी चाहती है मैं लॉन्ग लाइफ अपने आप को सर्वाइव करूं और हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग भी कंपनी के साथ जीवन भर चलते रहें, हमारा कोई भी व्यक्ति इधर उधर न जाए। हमारी टीम जिस सपने के साथ, जिस उम्मीद के साथ इस प्लेटफॉर्म पर आई है, हर कोई यहाँ पर बड़ा पैसा कमाए, मतलब हम लोग भी खुश रहे, कंपनी भी खुश रहे, तो एक हेल्दी डिस्कशन रहेगा जिससे कि हो सकता है कुछ चीजें एलेक्सर को समझ में आए या हो सकता है कुछ चीजें एलेक्सर अपने तरीके से करना चाहते हैं जो हमें समझ में नहीं आ रही है। हो सकता है हम लोग जल्दी के कारण, हम लोग कई बार जब लालच होता है तो पट्टी बन जाती है आंखों के ऊपर, कोई भी कितनी अच्छी बात है तो समझ में नहीं आती। हो सकता है जल्दबाजी के कारण हम लोग आज एलेक्सर के ऊपर फित ना कर पा रहे हो, जल्दबाजी के कारण हम लोग आज यहाँ पर अपना नेटवर्क ना बना पा रहे हो, क्योंकि पीछे जो जल्दी में इलेक्शन ने जो है डिसीजंस लिए, 2 2 महीने में 15 15 दिन में कई बार चीजें चेंज हुई है, तो लोगों के दिमाग के अंदर ये भी रहा कि इलेक्शन बहुत जल्दी जल्दी चीजें चेंज करते हैं, तो इस डर के कारण हो सकता है हम लोग अपने नेटवर्क ना बिल्ड कर पा रहे। लेकिन साथियों, जब भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी होती है, अभी आप देखिए चाहे मोबाइल को लेकर देखिए या कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी, उनके जो साइंटिस्ट लोग होते हैं या उनके जो इंजीनियर्स लोग होते हैं वो डे बाय डे नई नई अपडेशन करते हैं। अब जैसे कार का उदाहरण लीजिए, आप एक ही कार अगर परमानेंट चलती रहे तो पॉसिबल नहीं है, डे बाय डे कभी उसमें लाइट चेंज होगी, कभी उसमें स्टेयरिंग चेंज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ आएगी, कहीं ना कहीं उसकी बॉडी शेप में अंतर आएगा, हर बार कुछ ना कुछ अंतर डाला जाता है। लेकिन वहां पर हमारा जो पुराना स्टॉक है शोरूम के अंदर, वो लोग तो विचलित नहीं होते, उनका वो स्टॉक कई बार धरा रह जाता है, कई बार कंपनियां भी वापिस नहीं लेती, लेकिन यहाँ भी एलेक्सर आज दिन रात जो बार बार स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, तो हमें ये भी समझना है।
क्योंकि अगर हम आज सिस्टम से हटकर कहीं दाए बाएं काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो 20,000 से ज्यादा कोई देने वाला नहीं है, ये तो लिख लीजिए आप। और ऐसा नहीं है कि आज इस प्लेटफॉर्म से हमारे को 20,000 रुपये नहीं आ रहे। आज जितने भी व्यक्ति यहाँ पर है, 20,000, 30,000, 40, 50,000, आज भी बड़े आराम से वो कमा रहे हैं। वो कहते हैं ना, कोई भी पॉकेट को हिलाते तो उतना पैसा उनको निकल जाता है। जब बड़ा कोई इंडस्ट्री बंद होती है तो उसका जो पुराना लोहा इतना होता है कि वो लोगों को अमीर बना देता है, जो कबाड़ी होता है वो उसको अमीर बना देता है। तो यहाँ पे हम बड़ी कंपनी के साथ हैं, जो बड़े बर्तन की खुरचन होती है वो बहुत लोगों की जो भूख है उसको शांत कर सकती है। तो यहाँ पर आज हम कंपनी के साथ जुड़े हैं तो 1 लाख, 2 लाख, 3 3 लाख रुपए तो इस मंदी के दौर में भी हम लोग कमा रहे हैं। और जब माहौल होगा तो हम सोचिए, हर व्यक्ति ने एक टाइम था, हर व्यक्ति की मीटिंग कितनी अच्छी आती थी, कितना बड़ा पैसा लोग कमाते थे। लेकिन आज हमने उसी एनर्जी को इकट्ठा करके दोबारा से एक विश्वास दिखा के आगे बढ़ना है। डिसीजंस देखिए आपके, अगर आपको लगता है कि ये बिजनेस, ये सिस्टम मेरी लाइफ को बदल सकता है और अगर मैं यहाँ पर मेरा टाइम दूंगा वो बेकार नहीं जाएगा, तो आप प्लानिंग बनाइए। और नहीं तो आप अपनी लाइफ के खुद मालिक है। अगर आप बाहर जाओगे, कोई 20,000 देने वाला नहीं है। और जो आपने 3 साल, 4 साल, 5 साल मेहनत करी है, वो मेहनत आपकी जीरो जाने वाली है और नई जगह आप फिर जीरो से शुरू करने वाले हो। तो यहाँ पर सक्सेस का जस्ट अगला ही मोड हमारा बिल्कुल इंतजार कर रहा है। तो हम बिल्कुल भी विचलित ना हो, हम तो एज ए सीनियर यही आपको एक सलाह दे सकते हैं, अपने अनुभव के आधार पर यही बोल सकते हैं, क्योंकि इतने लंबे समय से हम लोगों ने भी काफी कंपनियां करी है और सफलता के नजदीक हम बिल्कुल पहुंच जाते हैं। लेकिन जब माइंड विचलित हो जाता है फिर जीवन भर का एक अफसोस रहता है। तो शायद यहाँ पर भी हमें 2 4 5 महीने का, एक थोड़ा ज्यादा लंबा वक्त नहीं है, उसको एक बार देखना चाहिए। बेशक हम लोग काम ना करें, लेकिन हम दूसरी जगह जाकर भी अपनी इमेज खराब ना करें, क्योंकि ये इमेज ही है हमारा, ये चेहरा ही है जो मार्केट में बिकता है। आज हम लोग वेट नहीं कर पाते 2 महीने का, हो सकता है 2 महीने के बाद अच्छी चीजें होने वाली है, लेकिन हम दूसरे प्लेटफॉर्म में जाते हैं, वो 2 महीने वो प्लेटफॉर्म गायब हो जाता है जैसा हुआ है। तो हमारी फेस वैल्यू भी साथियों खराब होती है, पैसा भी हमारा खराब होता है और हमारा टाइम भी खराब होता है। और जब हमारी गाड़ी का जो पहिया पटरी से उतरता है तो हम अपने साथ 50 लोगों के पहिए उतार देते हैं। अभी जैसे अभी पीछे एक एक्सीडेंट हुआ है उड़ीसा के अंदर, बहुत बड़ी त्रासदी रही है ये, लेकिन एक उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूँ कि साथी, जब एक पहिया उतरता है, अगर अगला डिब्बा उतरता है तो उसके पीछे के डिब्बे अपने आप उतरते चले जाते हैं। गलती अगर एक व्यक्ति करता है, एक सीनियर गलती करता है, तो 50 लोगों को लाइन से उतार देता है, 50 लोगों को भ्रमित कर देता है। तो हमें अधिकार नहीं है कि हम खुद अपने मतलब पटरी से अपना पहिया उतारे और लोगों के भी चलती गाड़ी के मतलब पहिए को पटरी से उतारे। तो इसलिए थोड़ा वक्त देना जरूरी है, थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। सिस्टम बहुत अच्छा बनने वाला है, अच्छा बना है फ्यूचर में। पहले आपने देखा भी है, लोगों की लाइफ पूरी तरीके से बदली है। तो अभी दुबई हम लोग जाते हैं, बहुत अच्छी गुड न्यूज के साथ हम लोग आपके साथ में दुबई से आने के बाद मीटिंग करेंगे। कल रात को हम लोग निकल ही रहे, और आज सर का बर्थडे है, तो शायद हो सकता है कुछ स्पेशल आज सर कर दे, कुछ हलचल मचाए, जैसे रात कुछ हलचल सर ने मचाई है। हो सकता है कुछ बड़े स्तर पर आज कुछ इस तरह की हलचल देखने को हमारे को मिल सकती है। तो सभी लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि आज आप अपने डैशबोर्ड को बार बार चेक करते रहे, आज अपने कॉइंस बिट के ऊपर आप आंख गड़ाए बैठे, कब आपको 2 पैसे कमाने का मौका मिल जाए, कुछ भी हो सकता है आज। क्योंकि आज एलेक्स सर का जो बर्थडे है वो कुछ भी गिफ्ट हमारे को कर सकते हैं, आज बरसात हो सकती है, मैं जहां तक मेरी अपनी सोच है। तो साथियों इतना ही कहना चाहूंगा, काफी समय हो गया है, अभी हम शाम को फिर मिलते हैं 7:30 बजे। बस आप बने रहे और लोगों को विश्वास दें, जो व्यक्ति इधर उधर है उनको भी सिस्टम के आप साथ जोड़ें, क्योंकि चलते रहेंगे तो साथी एक दिन मंजिल आना तय है। और हम लोग चलना ही हम लोगों ने बंद कर दिया तो ना तो हम लोग मंजिल पे पहुंचेंगे ना हमारी टीम मंजिल के ऊपर पहुंचेगी, लेकिन हम भी चलते रहे तो हम भी मंजिल के ऊपर पहुंचेंगे और हमारी टीम भी मंजिल के ऊपर पहुंचेगी। यहाँ पर आप लोग कई बार नए लोग होते हैं तो ये सोचते हैं कि ये सीनियर लोग तो मोटिवेट करते हैं और इनका काम कुछ नहीं है। साथियों जब बड़ा जब गार्जियन होता है घर में, और कई बार ऐसी भी त्रासदी होती है कि घर का कोई मेन मेंबर जो है इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, या कोई व्यक्ति इतना बीमार हो जाता है कि डॉक्टर बोलते हैं जी अब इसकी सेवा करो और 2 4 6 महीने का ये मेहमान, इस तरह की बातें जब होती है, तो यहाँ पर एक बड़ा जो सीनियर होता है जब इतनी बड़ी घटना घटती है तो वो परिवार को कहेगा नहीं जी तुम ऐसे करो, वो उनको मोटिवेट ही करेगा कि ताकि आप चलते रहे, सब चीज ठीक हो जाएगी समय के अनुसार। बच्चा छोटा है तो बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उस व्यक्ति की हम भूल भुलैया हो जाती है जो हमारे मतलब घर में था, तो उसकी यादें कम हो जाती है। और अगर यहाँ एक परिवार का गार्जियन होने के नाते हम लोग भी निगेटिव होके बैठे कि नहीं जी कुछ नहीं, अब छोड़ो और कहीं चलते,
साथियों वक्त लगता है, चीजें अच्छी होगी और एक ही चीज ऐसी आएगी जो हम लोगों की लाइफ को बदल देगी, क्योंकि हमें आपकी भी केयर है, हमें कंपनी की भी केयर है, हमें खुद की भी केयर है, हमें अपने परिवार की भी केयर है, क्योंकि ये एक फैमिली है, हमने सबने एक साथ जीतना है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने ही जीतना है और आप लोगों को हम लोग वहीं छोड़कर चले जाएंगे, हम लोगों ने आपको उस मंजिल तक लेके जाना है जिस सक्सेस को हम लोगों ने देखा है, जहां तक आप लोग नहीं पहुंच पाए उस सक्सेस तक आपको लेकर जाना है। उसके लिए चाहे कितनी भी फाइट करनी पड़े, कितने भी सॉल्यूशन निकालने पड़े, कितनी भी बार एलेक्सर के साथ बैठना पड़े, कितने भी बेहतर सुझाव देने पड़े, चाहे 1 साल टिकना पड़े, हम लोग टिकेंगे और हम लोग सिस्टम को बेहतर ही बनाकर रखेंगे, बेहतर ही बनाएंगे। बस उसमें आप ही लोगों का साथ चाहिए, आप लोग थोड़ा वक्त दीजिए और मैं मानता हूं कि सब चीज अच्छी होने वाली है। साथी, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही जबरदस्त मैसेज दिया। तो अब साथियों हम शाम को 7:30 पे मिलते हैं। अभी हमारा समय हो चुका है और अब हम इस मीटिंग को यहाँ पर क्लोज करते हैं।